नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं प्रभात खबर, मैं हूं रजनीश आनंद। रांची के जेएससीए स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज टेस्ट सीरीज का चौथा मैच खेला जा रहा है। आज दूसरे दिन का मैच समाप्त हुआ और स्टंप तक भारत ने 7 विकेट के नुकसान पर 219 रन बना लिए हैं। आज के मैच के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी अरविंद मिश्रा जी, जो स्पोर्ट्स पर काफ़ी लंबे समय से काम करते रहे हैं। तो हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आज के मैच में क्या खास बात रही और आज दूसरे दिन का मैच था और 5 दिनों तक मैच किस स्थिति में पहुंच सकता है। तो अरविंद, आपका स्वागत है इस शो में। और आप सबसे पहले ये बताइए कि आज जिस तरह से पिच खेल रहा है, 10 विकेट गिर चुका है, तो अगले 2-3 दिन में पिच की क्या स्थिति हो सकती है? देखिए, आज जिस तरह से मुकाबला स्टार्ट हुआ, हम शुरुआत करते हैं इंग्लैंड की पारी से। इंग्लैंड अपना जो स्कोर 302 रन का स्कोर कल बनाया था 7 विकेट के नुकसान पर, उसके बाद से ये आज खेलना शुरू किया तो आज 52 रन के अंदर में ही पहले ही सेशन में उसके 3 विकेट गिर गए। और आपको बताना चाहते हैं कि रविंद्र जडेजा जो है उनका गेंदबाजी बहुत शानदार रहा और तीनों के तीनों विकेट उन्होंने चटकाया। लेकिन एक तरह से देखिएगा, एक जो छोर था उसको, जो रूट एकदम खुट्टा गाड़ जिसको कहते हैं मुकाबला खेलना, उसी तरह उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है और 322 रन का स्कोर उन्होंने बनाया और नो डाउट रहे, नाबाद रहे इस तरह से। तो पहला जो सेशन था उसी से क्लियर है कि अब पिच का मूवमेंट कैसा होता जा रहा है, क्योंकि इसमें अब दरार पड़ना शुरू हो चुका है और स्पिनर को काफी इससे अब मदद मिलनी। पहले दिन अंग्रेजों की तरफ से शिकायत भी आई थी कि पिच में काफी दरार दिख रही है। बिल्कुल, तो उसका असर भी अब दिखना शुरू हो गया है कि कल जिस तरह से 7 विकेट गिरे थे और 7 विकेट गिरने के बाद में आप देख सकते हैं कि जो रूट और उसके एक और जो बल्लेबाज हैं जॉनसन ने बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी की थी और दोनों ने मिलकर जो इंग्लैंड की पारी है उसको 353 रन के स्कोर तक पहुंचाया और जो रूट अंततः लास्ट तक आउट भी नहीं हुए, 122 रन का स्कोर उन्होंने बनाया और बेहतरीन पारी उन्होंने खेला है। तो इस तरह से देखा जा सकता है कि कल के जो 7 विकेट हैं उसके बाद से आज एक दिन में 10 विकेट गिरना, इससे पता चलता है कि टीम का जो पिच का मूवमेंट है वो किस तरह से बदलता जा रहा है। लगातार पिच में अब आप देखेंगे कि जो स्पिनर है उनका प्रभाव आप अधिक देखेंगे। आज ही उसका पता चल गया, इंग्लैंड की ओर से भी जो वहाँ के स्पिनर्स थे उनका काफी प्रभाव आज देखने को मिला और इधर से जडेजा का भी आक्रमण आप देख सकते हैं कि लगातार 3 विकेट उन्होंने चटका कर भारतीय टीम को ये अच्छी स्थिति में पहुंचाया है। लेकिन बल्लेबाजी जिस तरह से भारतीय टीम की हुई है वो थोड़ा सा चिंताजनक है। 219 रन में 7 विकेट गिर जाना, ये अपने आप में थोड़ा सा निराशाजनक है। इसमें एक चीज और पूछना चाहूंगी कि अरविंद, कि विराट कोहली नहीं खेल रहे हैं तो क्या लगता है आपको कि उनके नहीं खेलने से टीम को मतलब नुकसान हो रहा है बल्लेबाजी में? बिल्कुल, देखिए विराट कोहली की बात करें तो वो मध्यम क्रम के सबसे मजबूत बल्लेबाज माने जाते हैं। तो भारतीय टीम का जो भी बल्लेबाजी आक्रमण है बिल्कुल से आप कमजोर तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अब नए नए जो प्लेयर्स आए हैं उनका भी बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। जैसे शुभमन गिल का बैटिंग आज भी उन्होंने बहुत बेहतरीन किया है। हाँ, तो इस तरह से देखा जा सकता है। लेकिन विराट कोहली का स्थान तो ले पाना किसी के लिए एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी पड़ जाता है, अगला टीम पर प्रेशर बन जाता है। बोला जाता था ना कि महेंद्र सिंह धोनी जैसे ही मैदान पर उतरते थे और अगला जो टीम है वो अपने आप कमजोर अपने आप को महसूस करने लगता था, क्योंकि उनका जो एक नीति हुआ करता था बल्लेबाजी का हो, चाहे फील्डिंग सजाने का हो या कैप्टेंसी का हो। तो महेंद्र सिंह धोनी जिस तरह से अपना प्रभाव मैदान पर छोड़ते थे, कहीं ना कहीं विराट कोहली का भी उसी तरह का कुछ रहा है। और वो जब मैदान पर होते हैं तो अतिरिक्त दबाव रहता है सामने वाली टीम पर कि पता नहीं क्या कुछ कर बैठेंगे। बल्लेबाजी से तो करते ही हैं, उनका आक्रमण आप देख सकते हैं मैदान में भी किस तरह से रहता है, एग्रेशन में रहता है वो प्लेयर। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि विराट कोहली जब मैदान में होते हैं तो उसका असर कुछ अलग होता है। लेकिन अब वो नहीं है और टीम में, चूंकि इस बार उनका बहुत अच्छी खुशखबरी भी आई है कि बेटा हुआ है उनको, तो इस तरह से वो पूरी सीरीज से बाहर रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि भारतीय टीम कमजोर है, लेकिन ये पिच पर डिपेंड करता है कि किस तरह से पिच खेल रही है, तो उस पर डिपेंड करता है। तो भारतीय टीम अभी थोड़ा सा लड़खड़ाई हुई नजर आ रही है, लेकिन विराट कोहली के नहीं रहने पर भी भारतीय टीम अभी मजबूत स्थिति में है। निश्चित तौर पर हमको लगता है कि कल हो सकता है संभवतः इंग्लैंड दूसरी पारी खेले,
तो उसमें बुमराह के नहीं रहने से आपको क्या लग रहा है, कैसा कैसा गेंदबाजों का प्रदर्शन है? पहले दिन तो बहुत अच्छा रहा आकाशदीप, बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किए, तो आपको क्या लग रहा है बुमराह नहीं है तो दूसरी पारी में कैसी गेंदबाजी होगी? इसमें आप देखिए कि बुमराह का तो जिस तरह का प्रभाव रहता है कि हर एक प्लेयर में अपना अपना एक उसका खेलने का तरीका होता है, उसका प्रभाव अलग होता है, तो बुमराह का स्थान तो कोई नहीं ले सकता है, ये तो क्लियर है। लेकिन इसके बावजूद भी इस पिच के लिए तो इसमें सिराज की गेंदबाजी ठीक ठाक है और नए प्लेयर का भी बहुत अच्छा तरह से चल रहा है। और देखिए कुलदीप यादव जो है और फिर रविंद्र जडेजा का जिस तरह से गेंदबाजी हो रहा है, चूंकि अब ये पिच अब मददगार साबित हो रही है खास करके स्पिनर्स के लिए, अब बहुत अधिक प्रभाव हमको नहीं लगता है कि तेज गेंदबाज को अधिक मदद इससे मिलने वाला। अश्विन के लिए क्या कहेंगे आप? अश्विन भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा उनका भी प्रदर्शन चल रहा है। तो ये तिकड़ी जो है कुलदीप, रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा का, ये तिकड़ी काफी प्रभावशाली नजर आने वाली है, गेम चेंजर भी हो सकती है बिल्कुल। और आप देखेंगे कि कल इसका नजारा भी आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से ये तीनों जो गेंदबाज हैं वो किस तरह से फिरंगियों को अपने जाल में फंसाने में कामयाब होते हैं, जिस तरह से आज रविंद्र जडेजा ने फंसाया, तीनों का तीनों विकेट उन्होंने चटका लिया, तो ये है। लेकिन अब स्थिति क्या है कि भारतीय टीम के पास थोड़ा सा बढ़त लेने की स्थिति होनी चाहिए, क्योंकि अभी भी 134 रन पीछे है भारतीय टीम। आज दो दिन का मुकाबला समाप्त हो चुका है, तब बचे 3 दिन की बात है, तो 3 दिन में भारतीय टीम के पास क्या रणनीति होना चाहिए? मेरे हिसाब से लगता है कि भारतीय टीम जरूर से जरूर 200 रन का लीड तो जरूर लेना चाहिए, लेकिन अब जो स्थिति बन पड़ा है, बन के सामने आया है, जो कि अब उछले बल्लेबाज ही बच चुके हैं, अब भारतीय टीम के पास अब उतनी मजबूत तो बल्लेबाजी आक्रमण बची नहीं है, तो केवल 3 विकेट है। तो आशा करते हैं कि भारतीय टीम अगर लीड ना ले पाए तो कम से कम इंग्लैंड के जो स्कोर हैं उसके लेवल तक पहुंच जाए, तो भारतीय टीम थोड़ा सा मजबूत स्थिति में आ सकती है। कभी कभी ऐसा देखा गया टेस्ट मैच में अरविंद कि पिछले बल्लेबाज जो हैं वो बड़ा बड़ा रिकॉर्ड बना देते हैं, तो रिकॉर्ड की अगर हम बात कर रहे हैं तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि बहुत बड़ा स्कोरिंग गेम तो नहीं हो रहा है, लेकिन क्या कोई बड़ा रिकॉर्ड बना है इस सीरीज में या इस मैच में? पूरे सीरीज की अगर हम बात करें तो अभी तक छक्के का रिकॉर्ड बना है इसमें, और ये बड़ा रिकॉर्ड है, क्योंकि इससे पहले जो रिकॉर्ड बना था इंग्लैंड के एसेज में ही बना था, एसेज का सीरीज में, तो उसमें 74 छक्के लगे थे पूरे सीरीज में, और आप मान सकते हैं कि ये केवल चौथा टेस्ट मैच ही चल रहा है, ये 5 मैचों की सीरीज का, और इसमें अभी तक 74 छक्के लग चुके हैं। अच्छा। आप समझ सकते हैं कि बल्लेबाज कितनी आक्रामक तरीके से खेल रहे हैं, हालांकि अब टेस्ट का स्वरूप बल्लेबाजों ने बदल के रख दिया है, जब से ये T20 का फॉर्मेट आया है, और वनडे भी हम नहीं कर सकते, T20 अब तो 100 का भी अब शुरू हो चुका है, 100 बॉल का मैच भी खेला जाने लगा है, T20 10 का भी, तो ये एक तरह से ना फॉर्मेट को ही बदल दे रहा है पूरी तरह से, T20 जब से आया है तब से अब बल्लेबाज एकदम आक्रामक तरीके से खेलना शुरू कर दिए हैं। आप देख सकते हैं कि जो इससे पहले वाला जो मैच हुआ था उसमें रोहित शर्मा ने जबरदस्त पारी भी खेली थी, शतकीय पारी खेली थी, और ज्यादातर मैच का रिजल्ट भी आ रहा है सामने, नहीं तो एक टाइम में बहुत ज्यादातर मैच ड्रॉ हो रहा था, तो लोग मतलब एक तरह से बहुत इंटरेस्ट नहीं लेते थे टेस्ट मैच में, आजकल तो बहुत इंटरेस्ट देखने को मिलता है। और बोला भी जा रहा था कि T20 के आने के बाद में टेस्ट मैच को काफी नुकसान होने वाला है, लेकिन ये नहीं है, अलग अलग फॉर्मेट का अलग अलग मजा होता है, तो टेस्ट मैच का अलग आनंद है। लेकिन इससे एक फायदा ये हो रहा है अरविंद की जो टेस्ट मैच को असल क्रिकेट माना जाता है तो वो एक तरह से जीवित है, अगर इस तरह से लोगों की रुचि बनी रहे और अच्छा खेल दिखे तो टेस्ट मैच जो है वो जीवित रहेगा, इसको आप कैसे देखते हैं? हाँ बिल्कुल, और देखिए बोला भी जाता है कि जब भी कोई वरिष्ठ खिलाड़ियों से आप बात करेंगे तो उनका भी यही नजरिया है कि टेस्ट मैच प्लेयर्स को आंकने का एक अलग फॉर्मेट माना जाता है, बिल्कुल पैमाना है। आप T20 में बल्लेबाज को आंक नहीं सकते हैं कि आगे तक कितना दूर तक ये जा सकता है, इसका करियर कितना लंबा जा सकता है, लेकिन टेस्ट मैच वो बल्लेबाज को या गेंदबाज को वो आंकने का एक पैमाना माना जाता है कि उसमें कितना संभल के खेलने की क्षमता है। आप देख रहे हैं बल्लेबाज आया ताबड़तोड़ खेल के निकल गया आउट हो गया, तो वो खेल नहीं है, वो तो T20 का है मजा, आप एक बॉल में आप 6 मारते हैं, दूसरे बॉल में आप गेंद में आउट भी हो सकते हैं, तो एक टेस्ट मैच का बचा रहना बहुत जरूरी भी है, आने वाले जो जनरेशन है, नए जो क्रिकेटर्स हैं उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, और ये
जेसीए स्टेडियम में जो टेस्ट मैच खेला जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ के जो जितने भी यंगर्स क्रिकेट की क्षेत्र में आना चाहते हैं तो उनके लिए भी काफ़ी मददगार साबित हो रहा है। इस तरह के मैच मुकाबले अगर होते रहते हैं अपने शहर में तो काफ़ी फायदा मिलता है। जैसे कि जेसीए में बहुत ज़्यादा टेस्ट मैच नहीं खेला गया है, तो इसको आप कैसे मतलब क्रिकेट के लिए, और आप क्योंकि कवर भी कर रहे हैं तो वहाँ कैसा रोमांच था, क्योंकि धोनी का शहर है, लोग मैच देखने आते हैं, भले ही धोनी ना खेल रहे हो लेकिन लोग लगाते हैं धोनी के नारे, तो कैसा माहौल था वहाँ पर? माहौल ठीक ठाक है और दर्शक पहुँच भी रहे हैं। जिस तरह से टेस्ट मैच में दर्शकों का जिस तरह से जुड़ाव होता है, जिस तरह से दर्शक वहाँ पहुँचते हैं उसके मुताबिक आप देखिएगा तो स्टेडियम में काफ़ी संख्या में दर्शक पहुँच भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। और तीसरा दिन जो कि ये संडे को मुकाबला होना है, थर्ड डे, तो उस दिन अधिक संख्या में दर्शक पहुँच सकते हैं, ऐसी संभावना है। जाएंगे सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जाके देखेंगे और देखना भी चाहिए, अपने शहर में मुकाबला हो रहा है, कौन नहीं देखना चाहेगा। और चूंकि सबसे निराशाजनक क्या रहा कि आज रोहित शर्मा नहीं खेल पाए, 2 रन केवल उन्होंने मारा और वो आउट हुए, तो इस तरह से थोड़ा सा निराशाजनक हुआ। क्योंकि हम रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, इसके बाद में अगर देखिएगा तो रोहित शर्मा को हम बहुत पसंद करते हैं और रोहित शर्मा का जो खेलने का अंदाज है वो मुझे बहुत पसंद है। फैन फॉलोइंग भी हर जगह है, हर जगह है पूरे देश में। उनके आउट होने से थोड़ा सा तो निराशाजनक है, लेकिन हम आशा करते हैं कि भारतीय टीम इसमें लीड करेगी और ये मुकाबला जरूर से जरूर जीतेगी। आप बता रहे थे कि यहाँ अधिक टेस्ट मैच नहीं हुआ, तो हम पुराने रिकॉर्ड्स की बात करेंगे तो ये तीसरा टेस्ट मैच यहाँ खेला जा रहा है। पहला टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो मुकाबला था, लेकिन उसके बाद जो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम जो खेली थी, इससे पहले का जो 2019 में शायद मुकाबला हुआ था, उसमें भारतीय टीम बहुत अच्छा प्रदर्शन की थी और इनिंग और 202 रन के स्कोर से मुकाबला जीती थी भारतीय टीम ने। तो वो आप देख सकते हैं कि भारतीय टीम का ये पलड़ा भारी है। पहला मैच ड्रॉ हुआ था, पहला टेस्ट सीरीज अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और दूसरा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, ये मुकाबला भारतीय टीम जीती थी। तो इस मैच में इंग्लैंड पर काफ़ी दबाव है। अगर देखा जाए तो भारतीय टीम के बल्लेबाजी आक्रमण भी जबरदस्त है और बॉलिंग आक्रमण भी शानदार है, और रिकॉर्ड्स भी जो बता रहे हैं वो भी भारतीय टीम के पक्ष में है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि भारतीय टीम यहाँ से अजय बढ़त लेकर सीरीज में आगे बढ़ेगी। इस बार अगर मुकाबला जीत जाती है तो भारतीय टीम जीत जाएगी सीरीज। तो अभी 3 दिन का मैच बाकी है और हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय टीम ये मैच जीतेगी, और रोज की भारतीय स्टंप के बाद हम मैच का अपडेट लेकर के आपके सामने आएंगे। तब तक आप देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।